बीते दिनी मोगा दे नज़दीकी पिंड भूत सिंह बाला विच दिन दिहाड़े तेज धार हथियारां नाल ड्यूटी तो वापस आ रहे एक डीपी मास्टर दा कतल कर दिता गया सी। पुलिस ने इस कतल दा मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दिती अते जांच तो बाद पुलिस ने इस डीपी मास्टर दे पुत्तर नू शिमला तो कतल दे दोष दे तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि डीपी मास्टर तो इसका पुत्र जायदाद विच हिस्सा मंगदा सी जिस दे चलदे उसने ही अपने पिता का कतल करवा दिता। पुलिस ने फिलहाल कातल पुत्र नू गिरफ्तार करके अगली कार्रवाई शुरू कर दिती है। तरीक नू दिन दे 2:30 बजे के करीब सानू एक इनफॉर्मेशन मिली सीगी कि कुछ अणपछाते बंदिया ने बूटा सिंह नाम का जिहड़ा मास्टर हैगा एक्स फौजी हैगा इहदा दिन दिहाड़े मर्डर करता सीगा तेज धार हथियारां दे नाल मार करके। जदों आपां इहनू फरदर वेरीफाई किया तो एक इकबाल सिंह जिहड़े इहनां दे शरीके च लगते हैं उन्होंने सानू दस्सिया कि जिहड़ा बंदे इत्थे आए सीगे स्विफ्ट कार के उत्ते उन्हां विच इक ते इहनां दा बेटा सीगा जिहदा नाम हैगा हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी और बाकी जिहड़े बंदे हैगे अणपछाते हैगे ने जिन्हां ने पहलां आ करके इहनां दी स्कूटी दे उत्ते अपनी गड्डी दे नाल टक्कर मारी। जदों इह डिग पिया फिर तेज धार हथियारां दे नाल उहनू मार करके उहनू मतलब जान तो मारन दी नीयत नाल वार किए सीगे। मौके पर SHO साहब ने पहुँच करके नाल दे बंदियां नू लै करके इहनू होस्पिटल शिफ्ट करवाया और होस्पिटल शिफ्ट कराउंदे दौर विच इहनां दे ही जिहड़े नाल दे बंदे सीगे उहनां ने एक वीडियो बनाई जिहदे विच उहदे कोलों पुछदे होए सी कि वी इह बंदा किहड़ा सीगा जिहने मारन दी कोशिश कीती हैगी है। तो उहने जो उहदी लिप्स रीडिंग हैगी उह ही कहिंदियां हैगियां ने कि हाँ अपने बेटे की तरफ इशारा कर रहा है कि उहदे नाल उहदा रौला चलता हैगा और उहने ही इहदे उत्ते तेज धार हथियारां नाल वार करवाया हैगा। तो तफ्तीश दौरान काफ़ी टीम आप वक्री वक्री बनाइया सीगियां CCTV कैमरे चैक किए जिहड़ी स्विफ्ट कार सीगी उहनू आप आइडेंटीफाई किया और अगे फरदर कार्रवाई करद्या होया टैक्निकल एनालिसिस करद्या होया सानू पता लगा कि इहनां दी लोकेशन जिहड़ी हैगी है वह शिमले की आ रही हैगी है। तो SHO साहब अपनी टीम के नाल राती रात उत्थे पहुँच करके इन्होंने उत्थे चार बंदे जिहड़े हैगे ने शक की बिना से उत्थों एप्रीहेंड किए जदों उत्थे लिया करके इन्हां दी पुछगिछ की हैगी है। तो कन्फर्म हो गया कि यह जो मर्डर हैगा इन्हां दे बेटे ने ही करवाया सीगा। वजह रंजिश है कि 6-8 सालों तो यह अपना वक्रे तौर पर अपनी माँ के नाल फरीदकोट रहिंदा सी। माँ की डैथ जिहड़ी हैगी 2 साल पहलां हो गई सी। इत्थे हर वारी आंदा सीगा जो इन्हां दी प्रॉपर्टी 3 किल हैगी है उहदा हिस्सा लैण वास्ते आंदा सीगा उहदी ठेका लैण वास्ते आंदा सीगा और हमेशा इहदे फादर दे नाल इहदा डिस्प्यूट रहिंदा सी। उहदी वजह रंजिश करके और चूंकि नशे दा आदी सीगा इस करके इहने अपने साथियां दे नाल मिल करके अपने फादर की हत्या करती और हुणे बंदे आपां चारों गिरफ़्तार कर ले ने। इन्हां दे 2 दिन का रिमांड भी ले लिया हैगा। जिहड़ी कार सीगी जिहड़ी यूज़ होई सी उह सानूं रिकवर हो गई है। जिहड़े हथियार इन्हां ने इस्तेमाल किए हैगे ने उह फरदर हुण इन्हां दी पुछगिछ च आपां रिकवर करांगे। जिहड़ी स्विफ्ट कार आ उह कीदी है इन्हां चारां चों हुण उहदी फरदर वेरीफिकेशन आपां कर रहे हैगे आ जो तफ्तीश विच आपां उस चीज़ नूं लै करांगे। साथी लगाउंदे तां कोई पर्चा पुर्चा सीगा हांजी जिहड़े नाल इहदे सीगे लटके ते इहनां दे क्रिमिनल रिकॉर्ड जिहड़ा हैगा हजे तक बिल्कुल क्लीन आया हैगा। बाकी कंसर्न थाणे दे नाल आपां राबता कर रहे हैगे आ इन्हों तो इस तो इलावा हजे तक कोई परचा सामने नहीं आया। हथियार जिहड़े कापे इन्होंने इस्तेमाल किए हैं ने हजे वो रिकवर करने रहिंदे हैं जो रिकवर हो जाएंगे उस तो बाद आप क्लीयरली दस सकेंगे कि वो कापे सी या होर कोई तलवार वगैरह सी। नहीं जी यह चार बंदे जिहड़े हैगे ने मुंडा एक्चुअली मौके पर वो बाहर नहीं आया लैकर के आया सीगा नाल वो जिहड़े 3 साथी हैगे उन्होंने मिल करके जिहड़ा हैगा इहदा इहदी हत्या की। कार ड्राइव कौन कर रहे थे? मुंडा कार ड्राइव कर रहा है। पहला उन्होंने नाल दे 3 मुंडिया ने अटैक किया फिर उस तो बाद इनका नाल लेके बैठा। सर मुझे भी कल सामने आ रही सर जेडी उनकी मां दा मर्डर हुआ सी सर 2 साल पहला मतलब मिसिंग सी सर शी वाज मिसिंग वो भी सर इन्हें कोई धक्का देके सर नेट किया सी सर कुछ उन्होंने वेरीफिकेशन आप फर्दर कर लेने हैं हजे बंदे लेके आंदे उन्होंने रिमांड लिया है आप फर्दर वेरीफिकेशन आप कर रहे हैं।